नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने हमारे वीडियो पे बहुत प्यार दे रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि मेरा जो वीडियो है वो आपको जीवन में कभी ना कभी काम आएगा, या आप मेरा वीडियो देख के अभी भी आपने कोई काम स्टार्ट किया होगा। मैं ये चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, आप अपने बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कर पाओ। दोस्तों, अगर यहाँ पर वो लोग वीडियो देख रहे हैं जो 10 मिनट में या 5 मिनट में बिजनेस सीखना चाहते हैं, वो मेरा वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है हमारा वो बहुत थोड़ा लंबा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें मेरी भी मजबूरी है। मैंने साबुन का जीरो से लेकर टोटल मार्केटिंग तक का टोटल जानकारी इस वीडियो में डाल दी है। इसके बाद में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी से कुछ पूछना है। दोस्तों, आज हमने साबुन बनाया है, वो कंप्लीट बनाया है, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे बना है। ये मेरी कंपनी है, डजल के नाम से मेरी साबुन आती है। ये मेरे लड़के की फोटो है, इसके ऊपर टोटल जो है वो डिजाइनिंग डिजूनिंग सब मैंने की हुई है इसके ऊपर। ये हमारे कलर डाले हुए हैं ताकि इसके अंदर किस टाइप कलर का साबुन जो भी हो उसके ऊपर हम चिन्ह लगा देंगे मार्कर से। तो दोस्तों, ये पूरी कंप्लीट पैकिंग है मार्केट में जाने के लिए। आप इस प्रकार की भी पैकिंग कर सकते हैं और लूज के अंदर भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अगर हम खोलें जल्दी से तो इसका जो कंप्लीट वीडियो है वो पूरी जानकारी आपको आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। इसको जैसे हमने ओपन कर लिया, यहाँ से इसको खोल लेते हैं और इसके अंदर ये निकला साबुन। दोस्तों, आपने मार्केट में कभी पियर्स साबुन का नाम सुना होगा, साबुन देखा होगा। पियर्स साबुन होता है, सेम उसी क्वालिटी का ये साबुन है जिसके ऊपर हमने लेमिनेशन भी कर रखा है, पॉली पैकिंग भी कर रखी है। ये देखिए दोस्तों, ये किसी कंपनी से कम नहीं है, ये साबुन पूरा ब्रांड है। एक कोई भी देखेगा दुकानदार तो इसको ये नहीं कह सकता कि भैया आपका साबुन तो ब्रांड नहीं है, लोकल है, हम नहीं लेंगे। देखिए आप इस प्रकार से कोई भी डिब्बी, एक डिब्बी कोई भी डिब्बी आप फाड़ लीजिए, खोल लीजिए, ये देखिए इसके अंदर चकोर साबुन है। तो आपको ये कोई नहीं कहेगा कि भैया आपका साबुन ब्रांड नहीं है, हम नहीं लेंगे। इसके अंदर बहुत ही कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर डाली हुई है। इसके अंदर तीन चार प्रॉब्लम थी अपने कि भैया फोमिंग कम बनती है इस साबुन की, बिकता कम है, पैकिंग कैसे करें, सब चीजें मैंने इसमें डाल दी है। फोमिंग का सलूशन भी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। और जो रेट है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की स्क्रीन पर जैसे जैसे आइटम डालता जाऊंगा उसकी कॉस्टिंग डालता जाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो साबुन हमारा रेडी हुआ है, ये इस कंडीशन में जो हमारा साबुन रेडी हुआ है वो है 13 रुपए में। 13 रुपए में 100 ग्राम का मान के चलो, ये 125 ग्राम का है। आप अगर इसको 100 ग्राम मानो, जैसे ये साबुन 100 ग्राम का है तो ये हमारा 13 रुपए में रेडी हुआ है। और ये वाला थोड़ा सा कॉस्ट हाई रहेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, 130 रुपए किलो का रेट आ गया हमारा, किलो का रेट, ठीक है। और अगर डीबी की कॉस्टिंग की बात करें तो 2 से 2.5 रुपए डीबी की कॉस्टिंग आप ऐड कर लीजिए, 15 रुपए में आपका रेडी हो जाएगा, डीबी पैकिंग हो गया। इस प्रकार से आपका साबुन है वो मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी कंपनी का साबुन है दोस्तों। ये मैं घर से काम कर रहा हूँ टोटल भी, और कोई भी मैंने फैक्ट्री नहीं लगा रखी है दोस्तों, ना ही मैंने किसी प्रकार का कोई जीएसटी नंबर ले रखा है। मैं लोकल नॉर्मल तरीके से काम कर रहा हूँ बिना किसी लाइसेंस के। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पूरा कंप्लीट वीडियो। तो दोस्तों, पूरा सामान है जो साबुन बनाने का वो यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। ये पूरा सामान हमारा यहाँ पर पड़ा है, ये देखिए। तो इतना सामान है, वो इतने सामान से हम आज है वो साबुन बनाएंगे। और पूरा वीडियो कंप्लीट आप देख लेना, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि साबुन बनाना कितना आसान है दोस्तों। और इस साबुन के अंदर एक दो छोटी छोटी आप लोगों को समस्या आ रही है, मेरे को फोन कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं और कमेंट आ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो सबसे पहले अपने लेंगे 2 किलो, जो लेंगे अपने सोप बेस लेंगे, तो 2 किलो सोप बेस लेंगे। ये हमने एक लिया है और इसको इसका जो वेट है वो हमने कर लेना है टायर, और इसका वेट हमने 0 कर लिया। अभी हम इसके अंदर 2 किलो सोप बेस डालेंगे। तो मैं इसके अंदर जल्दी से इसका वेट कर लेता हूँ दो। तो दोस्तों, ये 2 किलो हो गया है, 12 ग्राम ऊपर है, तो हम 12 ग्राम इसमें से निकाल देते हैं एक छोटा सा टुकड़ा। और ये 2 किलो हो गया है, बस थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको पूरा 2 केजी कर लेते हैं। ये पूरा 2 केजी हो गया दोस्तों, और इसको हम लेंगे अब कढ़ाई में। और ये हो गया हमारा कलर जो कि हम येलो कलर लेके आए हैं, ये हो गया हमारा फ्रेग्रेंस जो कि परफ्यूम बोल सकते हैं आप, और ये हो गए हमारे सोप मोल्ड जिनके अंदर हम साबुन जमाने वाले हैं।
और ये है दोस्तों हैंड वॉश की बोतल है, खाली मैंने यूज ली है और इसके अंदर डाला हुआ है AOS जिसको आप फोम बूस्टर बोल सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर समस्या आती है साबुन के अंदर की जो फोमिंग है साबुन की इसकी कम रहती है, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि झाग बहुत कम बनते हैं, तो आज हम झाग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये जो आइटम है ये डालेंगे और उससे बहुत ज्यादा फोमिंग आने वाली है हमारी साबुन के अंदर। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं हम स्टोव पर और वहां पर करते हैं इस साबुन को मेल्ट। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं गैस चूल्हे पर और कढ़ाई हमने रख दी है और अभी हम इसमें डालने वाले हैं ये हमारा सोप बेस जो कि हमने 2 किलो लिया है और इसको हम करने वाले हैं थोड़ी देर मेल्ट और ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आने के बाद हम बाकी जो भी इसका मटेरियल है वो इसके अंदर डालेंगे। तो आप पूरा वीडियो वॉच करना और आपको पूरी चीज़ें हैं वो आसानी से समझ आ जाएगी, इसके बाद में आपको कोई भी समस्या है वो नहीं रहने वाली है। तो अभी ये थोड़ा मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा तो मैं तब तक वीडियो थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो अभी ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और इसको हम धीमे आंच पर इसको मेल्ट करना है और कढ़ाई आपको जो है वो स्टील की कढ़ाई लेनी है और कोई भी कढ़ाई आपको नहीं लेनी और इसको बिल्कुल धीमे जो आंच है उस पर इसको मेल्ट करना है और इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है मेल्ट होने में। तो ये जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता जाऊँगा क्योंकि अगर इसको पूरा वीडियो मैं अगर बनाऊँगा तो ये 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो कट कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, अब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में हम इसमें कलर ऐड करेंगे, AOS ऐड करेंगे और परफ्यूम ऐड करेंगे। तो मैं जितना जितना आइटम ऐड करूँगा उसकी मात्रा भी आपको बताता जाऊँगा और रेट मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इसकी मात्रा और रेट, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस रेट में ये साबुन बनने वाला है। तो ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, थोड़ी बहुत इसके ऊपर फोमिंग आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी दोस्तों मैं इसके अंदर कलर ऐड करूँगा, तो कलर ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, इसका कोई माप नहीं है, आप धीरे धीरे करके इसमें कलर ऐड करें तो आप देखेंगे कि आपको जैसा कलर चाहिए उस उतना कलर आप इसके अंदर डाल लीजिए, आपको जितना कलर साबुन के अंदर डालना है उसके हिसाब से आप इसको डाल लीजिए। तो मैं धीरे धीरे करके इसको कलर है वो इसको सेट कर रहा हूँ, तो ये आसानी से सेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली झंझट वाली बात नहीं है और बहुत ही आसान तरीके से आप ये साबुन बनाकर बेच सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद के लिए बनाकर इसको यूज़ करें तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये देखिए दोस्तों पूरा मेल्ट हो चुका है, हमने इसके अंदर कलर डाल दिया है, इसका येलो कलर हो चुका है, कितनी आसानी से हमने साबुन बना लिया है। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा कलर मैं इसके अंदर और डालने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा कलर कम लग रहा है। ये देखिए इस प्रकार से आप आसानी से इसको मिक्स कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों अभी मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ फ्रेग्रेंस, तो 1 kg के अंदर आपको 5 ml फ्रेग्रेंस डालना है, तो मैं अभी इसके अंदर 10 ml फ्रेग्रेंस डालूँगा। तो 10 ml फ्रेग्रेंस की कॉस्टिंग आती है दोस्तों 20 रुपये। तो ये देखिए मैंने 2 kg लिया है तो पर kg 5 रुपये कॉस्टिंग आ गई आपकी फ्रेग्रेंस की, तो 110 रुपये का सोप बेस हुआ और 5 रुपये का फ्रेग्रेंस हो गया, तो ये हो गई कॉस्टिंग 115 रुपये, यानी अभी अगर अपने 100 ग्राम पे मान के चलें तो 11.50 पैसे हो गई। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 ग्राम, इसके अंदर आप AOS डाल दीजिए, बस ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके अंदर आप डाल दोगे तो फोमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया, साबुन लगाया है या कुछ और लगाया है। तो आपको बहुत ही कम इसके अंदर AOS डालना है क्योंकि पहले से इसके अंदर फोमिंग तो ऑलरेडी है लेकिन थोड़ी कम है, तो हमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है जिससे कि फोमिंग बहुत ज़्यादा आएगी, तो लोगों को ये लगेगा कि भाई साबुन तो बहुत अच्छा है। और इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी है कि जो साबुन ज़्यादा झाग देता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, लोग इसी चीज़ को मानते हैं। तो क्या है कि इसकी फोमिंग अच्छी आएगी तो लोग साबुन को घिसेंगे कम तो ये साबुन लंबा चलेगा। तो इस प्रकार से आप AOS इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, AOS आपको 60 रुपये पर kg मिल जाता है और इसकी कॉस्टिंग कुछ नहीं मान के चलते अपने पर 10-20 पैसे का इसके अंदर डलता है ये। तो अभी हम आ गए हैं वापस से सोप मोल्ड के पास और अभी जो हमारा साबुन रेडी हुआ है वो हम निकाल लेंगे सोप मोल्ड के अंदर और फिर बजेगी इसकी पैकेजिंग, तो वो भी वीडियो के अंदर मैं पूरा कंप्लीट आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक हमारी जो साबुन की कॉस्ट है वो 11 रुपये 50 पैसे और
गैस वगैरह और मेहनत वगैरह मान के आप इसको 12 रुपये मान लीजिए। यहाँ तक हमारी साबुन की कॉस्टिंग है, वो 100 ग्राम के साबुन की 12 रुपये कॉस्टिंग आई है। अगर आप 75 ग्राम का बनाना चाहते हैं या 50 ग्राम का बनाना चाहते हैं या फिर 125 ग्राम का बनाना चाहते हैं, वो आप कितना भी बना सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। अपने किलो का अगर इसके अंदर कॉस्टिंग मान के चले तो 120 रुपये किलो अभी जो इसकी कॉस्टिंग है वो चल रही है, यानी बिना पैकिंग के 120 रुपये किलो ये साबुन बन जाएगा। तो अभी मैंने लगभग पूरे साबुन है वो सोप मोल्ड के अंदर निकाल लिए हैं। हमने सोप बेस 2 kg लिया था, तो आपको इसका वेट भी मैं साबुन का लास्ट में दिखा दूंगा। तो अभी इसको हम रखेंगे 1 घंटे तक ताकि ये अच्छे से जम जाए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो मौसम के अंदर तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम छोड़ सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे छोड़ सकते हैं। वो आप इसके ऊपर उंगली लगाकर चेक कर सकते हैं कि साबुन हार्ड हो गया या नहीं हुआ। तो इसको हम छोड़ेंगे 60 मिनट तक और उसके बाद में इसको बाहर निकालेंगे और पैकेजिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमें साबुन रखे हुए 1 घंटा हो गया है और ये हमारा साबुन जमकर रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है। तो इसको जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ सभी को बाहर और फिर इसकी करेंगे पैकेजिंग। तो ये अभी साबुन हमारा रेडी है बिल्कुल। ये सोप मोल्ड में से बहुत ही आसानी से निकल जाती है और सोप मोल्ड है वो कभी ख़राब नहीं होता दोस्तों, सालों साल चलता है, लेकिन चूहे इसको कतर सकते हैं। तो मेरा एक सोप मोल्ड चूहों ने कतर भी दिया है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये पूरा मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा। अगर आपको किट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। टोटल जो इसका रॉ मटेरियल है वो हमारे पास मिल जाएगा। तो देखिए, तो दोस्तों इसके ऊपर पहली समस्या थी फोमिंग की, फोमिंग कम आती थी, उसका हमने समाधान बता दिया। और दूसरी इसके ऊपर थोड़ी सी समस्या आती है, लोग बोलते हैं कि सर इसकी जो शाइनिंग है ऊपर से थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, जिसके ऊपर की फोमिंग यानी थोड़े से झाग आ जाते हैं या मलाई वगैरह सी लग जाती है। तो ये आप इस प्रकार से एक वायर की सहायता से इसको ऊपर से काट सकते हैं। ये वायर है वो एक्सीलेटर होता है, या जिसको अपने रेस बोलते हैं या क्लच वायर बोलते हैं किसी गाड़ी की, बाइक की, उसमें से एक वायर निकाल लेना है आपको, यानी पूरी क्लच का वायर नहीं, एक वायर उसमें से खोल कर आपको निकाल लेना है। और इस प्रकार से आप इसको कट कर सकते हैं। और इसके कटर भी आते हैं साबुन काटने के, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लोहे का वायर भी मिल जाता है मार्केट में, अगर नहीं मिलता है तो मोबाइल की दुकान पे जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि टच उतारने वाला लोहे का जो वायर आता है वो चाहिए, वो इससे भी पतला होता है, बहुत आसानी से उससे कट जाता है। तो उससे शाइनिंग है साबुन की वो बहुत अच्छी आएगी। देखिए इसके ऊपर कितना झाग सा लगा हुआ है। तो अभी हम इसको काट रहे हैं, ये देखिए, और इसकी शाइनिंग देखना अभी आप, ये पूरे झाग झाग कट गए हमारे, एक तरफ हो गई मलाई वगैरह, अब देखिए शाइनिंग इसकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया ये देखिए। और अगर आप इसको नहीं भी काटते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट के अंदर ईजिली बिक जाता है, ये बिल्कुल देसी साबुन लगता है। इस प्रकार से आप इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अब बारी आती है पैकेजिंग की। तो दोस्तों आज हम देसी साबुन नहीं बोल सकते इसको, इसको हैंडमेड साबुन नहीं बोल सकते, ये एक ब्रांड बना रहे हैं हम आज, आज ये ब्रांड का साबुन हो गया। ये देखिए इस प्रकार से आपको पोली के अंदर पैकिंग करनी है। ये आपको रेडीमेड मिल जाएगी पोली, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये देखिए इस प्रकार से कटिंग मशीन आती है, 700, 800, 900 रुपये के आसपास मिल जाती है, उसकी सहायता से आप इस प्रकार से इसको काट सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये 2 की पैकिंग होगी। अभी हम इसको करेंगे अलग अलग, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे इस प्रकार से। दोस्तों ये हमारा आज ब्रांड बनने वाला है जो कि पियर्स के टक्कर देगा, पियर्स साबुन को टक्कर देगा। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से आप इसको पैकिंग कर लीजिए फटाक से, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने लगभग साबुन है वो पैक कर दी है। तो दोस्तों इसके बाद में पोली थोड़ी सी फुली हुई नज़र आती है हमें, ये देखिए थोड़ी फुलआउट सी नज़र आती है जो साबुन पैक हो चुकी है उसके अंदर, तो उसका भी हम आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी साबुन बची है, इसको भी मैं पैक कर लेता हूँ झट से। वीडियो में बीच बीच में काट रहा हूँ ताकि बड़ा ना हो जाए, लेकिन फिर भी बड़ा होगा, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं दूंगा तो आप बोलेंगे कि अधूरा ज्ञान देते हो। तो मैंने कंप्लीट वीडियो आज बना दिया है, टोटल पैकेजिंग वो करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए हमने पूरा पैक कर दिया है साबुन। तो अब मैं आपको थोड़ा सा साबुन का वेट है वो चेक करवा देता हूँ। ये 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने स्केल को हाथ में पकड़ा हुआ है। ये देखिए ये हमारी साबुन बनी है 100 ग्राम की,
ये साबुन ओवल टाइप की जो साबुन है ये 100 ग्राम की बनी है। जो चकोर साबुन है हमारी वो देखते हैं कितने ग्राम की बनी है। ये देखिए ये बनी है हमारी 120 ग्राम, आप इसको बोल सकते हैं 125 ग्राम में बिकती है मार्केट में, क्योंकि इसके साथ डिब्बी वगैरह का वेट भी हो जाता है। ये देखिए एक और हम वेट करते हैं, ये भी 120 ग्राम की है। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसका वेट कर लिया है। हम एक साबुन का और वेट कर लेते हैं कि कितने ग्राम की है। ये देखिए ये भी 100 ग्राम की है, 100 ग्राम की मान के चलो आप, इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है 1-2 ग्राम। तो अब बारी आती है, ये जो पुली आप देख रहे हैं इसके अंदर हवा सी है, तो इसको हॉट एयर गन की सहायता से आप इसको हीट करना है, इसके ऊपर हीट देनी है, और ये पुली बहुत ही टाइट और जैसे कंपनी की साबुन पैक होती है उस तरीके से पैक हो जाएगी। देखिए आपने कभी कोई प्रोडक्ट देखा होगा जिसके ऊपर लैमिनेशन हुआ होता है, मैं कोशिश करता हूँ आपको नज़दीक से दिखाने की। ये देखिए बिल्कुल टाइट फोली हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए आसानी से आप इसको है वो पैक कर सकते हैं। ये देखिए कितना लूज़ है पोली इसका, तो अभी इसको हीट करेंगे ये बिल्कुल चिपक जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपने किसी कंपनी से इसको पैक करवाया है और मशीन से, बड़ी मशीन से पैक हुआ है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है, ये देखिए किस तरीके से पोली टाइट हो रही है। ये देखिए बिल्कुल मशीन की पैकिंग लगेगी, बहुत ही अच्छी शाइनिंग आने वाली है साबुन की। दोस्तों आज हमारा साबुन है वो एक ब्रांड का साबुन होने वाला है, तो वीडियो कंप्लीट आप देखते रहिए। तो ये देखिए सभी साबुन हमारी है वो शाइनिंग के अंदर सेट हो चुकी है। तो दोस्तों अब आती है इसकी फाइनल पैकिंग, इसका फाइनल लुक। ये देखिए ये मेरी कंपनी है, डजल नाम है, मेरे लड़के का फ़ोटो है और ये पूरी डिटेल दी हुई है साबुन की। ये देखिए ये इस प्रकार की डिब्बी हमने बनवा रखी है और इसके अंदर अभी पैक करने वाले हैं इस साबुन को। तो आप इसको है वो ग्लू गन आता है, एक ग्लू गन नाम का एक मशीन होता है, 200-250 रुपये का ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। इससे आप इसको पैक कर सकते हैं, या और कोई तरीका अगर आपके पास है फेविकोल वगैरह का तो आप उससे भी, कोई गम वगैरह से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको एक इस तरीके से खड़ा कर देंगे जिस साइड से हमने इसको चिपकाया है ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए डिबिया हमने बनवा के रेडी कर रखी है। तो आज पूरा हम ब्रांड का साबुन पैक करके बना के सेट करने वाले हैं। ये देखिए मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी लगभग सभी साबुन हैं वो पैक हो चुकी है, इस तरीके से हमने सभी साबुन पैक कर ली हैं। बीच बीच में वीडियो कट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये हमने पैक करके रेडी कर दी है। तो दोस्तों अब ये हमारी साबुन एक ब्रांड बन गई है, मार्केट में आप कहीं चले जाइए कोई नहीं बोलेगा कि ये साबुन हम नहीं बेचेंगे, ये तो लोकल है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा बिज़नेस आइडिया हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।